दिस इज प्रीति एंड आई एम ट्राइंग टू टच प्रीति। नहीं टच करना चाहिए था। अगेन अगेन हाय गाइस, तो आप लोगों ने देखा अभी स्टार्टिंग में कि हम लोग एक फ़नी सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं बहुत ही स्टार्टिंग से, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का यूज़ करके। यदि आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग क्या है, फिर भी आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने इस यहाँ पर, और इस फोल्डर के ही अंदर हम सारा काम करेंगे। तो उस फोल्डर का नाम दे देते हैं मैं मीम, ठीक है? और इस फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ अपना, उसके बाद यहाँ से पुराना जो कोड है उससे मैं क्लोज करके उस वाले फोल्डर को ओपन करूँगा, ओपन फोल्डर। और हम लोगों ने ये बनाया है यहाँ पे मीम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा पूरा फ्रेश एक नया फोल्डर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, index.html का फाइल बनाना है। ये हमारा हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक टाइप एक्सप्लेनेशन मार्क्स यूज़ करेंगे, ये सॉरी डॉक टाइप आउट के बाद एमिट का यूज़ करके इंटर दबा देंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से कुछ कोड रिटर्न होकर आ गया, ठीक है? तो इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं, फनी मीम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें एक इमेज टेक चाहिए, जो कि हमारा जो इमेज है जिसको हम प्रीति बोल रहे हैं, कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड है, तो उसको इमेज को शो कराने के लिए हम एक यहाँ img टैग लेंगे। और इस ये इसमें ये मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसी के अंदर हम src लेंगे। और src मैंने पहले से अपने नोटपैड में कॉपी करके रखा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी कॉपी कर लेना। और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हमें इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ। क्लास इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें CSS से इसकी थोड़ी सी सेंटरिंग करनी होगी, जो कि वेब पेज में ये थोड़ी सेंटर पे आ जाए, ठीक है? तो ऐसे ही नाम दे देता हूँ, सेंटर कुछ भी नाम दे दो। और हम क्या करेंगे, इसकी एक आईडी भी दे देंगे ताकि जब भी इसको हम गेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, गेट एलिमेंट आईडी बाय आईडी के थ्रू करेंगे, तो इसका नाम मैं सोम दे देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। और क्या करना है कि हमें राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विथ लाइव सर्वर करना। अब देखते हैं कि हमारा इमेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसकी जो हाइट एंड विथ रहेगी उसे मैं फिलहाल मैं रहने देता हूँ, उसको मैं CSS के थ्रू ठीक करूँ। तो हम एक CSS फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे style.css, ठीक है? अब हमारे पास style.css आ गया, इसके अंदर हम अपना जो विड्थ है और उसके सेंटर पे लाएंगे, तो हमारे पास हम किसके थ्रू इसको एक्सेस करने वाले हैं उस एलिमेंट को HTML के, तो उसे हम क्लास के थ्रू करेंगे। तो डॉट सेंटर, जो कि हमारे हम लोगों ने क्लास का नाम वहाँ रखा था, डॉट सेंटर कर्ली ब्रैकेट। और इसका जो डिस्प्ले है उसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है? और उसका जो मार्जिन लेफ्ट राइट है ऑटो मार्जिन राइट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, मार्जिन राइट ऑटो, देन हम विथ डाल देंगे 50%, ठीक है? इसको सेव करते हैं। और अभी वर्क नहीं करेगा, अभी देखो आप देखोगे कि ये फिर भी ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी CSS को लिंक नहीं किया HTML के साथ, तो उसे भी हम तुरंत कर लेते हैं। तो वो उसे करने के लिए हम अपने यहाँ पे आएंगे टाइटल हेड के अंदर, और यहाँ पे हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, लिंक। और यहाँ पे आरियल, और हम दे देंगे स्टाइल सीट, इसका जो नाम मतलब टाइप रहेगा इसकी किस टाइप का है, स्टाइल सॉरी उसके बाद href, हमारा क्या नाम है, स्टाइल डॉट
.css, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब हम अपने चलते हैं उसके देख लेते हैं। देखो आप देख सकते हैं कि ये छोटा भी हो गया और अपने सेंटर पे आ गया, ठीक है, तो हमारा आधा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, उस फाइल के थ्रू हमारा जो ऑडियो और इमेज चेंज होगा कबीर सिंह की, तो वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि यार एक फ़नी से प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग को एक मज़ेदार तरीक़े से सीखोगे ना तो मज़ा आएगा करने में तुम्हें। अरे ये बोरिंग तरीका से बस कोड सीखोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरा इंटरेस्टिंग मतलब इसलिए मुझे इंटरेस्ट आता है प्रोग्रामिंग में, नया नया चीज़ में करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट बना लेते हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ go.js, कुछ भी नाम दे दो यार, मेरा मन रेंडम से जो भी आया मैं डाल दिया यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेज का वेरिएबल बनाएंगे और उस इमेज को गेट करेंगे उसकी आईडी से, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे आईडी दी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हम लोगों ने क्या रखा है उस इमेज टैग का, सोम, ठीक है। ओ सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडियो प्ले करना है हमें, तो वार ऑडियो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू ऑडियो। अब देखो ऑडियो, यहाँ पे हमें ऑडियो का पाथ देना होगा, तो आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने मीम वाला बनाया है फोल्डर, उसके अंदर हम जो रिंगटोन है जो साउंड करेगा वो ये वाला जो कबीर सिंह की साउंड है, उसे कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, और हमें इसी का फाइल पाथ यहाँ देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, बस सिंपल सा डबल कोट लेना है, ये स्लैश का साइन देके उसे उसका नाम दे देना डॉट MP3, बस। अब हमें क्या करना है, जो हमारा इमेज है उस पर हमें एड इवेंट लिसनर लगाना है। अब लिसनर में क्या होना चाहिए, जब उस पर माउस होवर हो, इसका मतलब उस पे टच किया गया, यानी कि प्रीति को हम लोगों ने टच कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम क्या होना चाहिए, कबीर सिंह गुस्सा जाएगा, उसके बाद वो तुम्हें एक गाली देगा, सॉरी, हाँ जस्ट फॉर फन हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फंक्शन हमें देना होगा, जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा उससे हम देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब माउस उस पर होवर हो तो इमेज का जो SRC है ना उसे हम चेंज कर देंगे कबीर कबीर सिंह का इमेज में। अब मैं यहाँ पहले से उसका URL रखा हूँ, ये देख यहाँ पे नोटपैड में है ये वाला, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इमेज कबीर सिंह का है, यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं ये कबीर सिंह का है, इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ऑडियो भी प्ले करना है, तो ऑडियो जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए डॉट प्ले, यहाँ पे ऑडियो को प्ले करा देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जब माउस पे से आउट होता है तो वापस प्रीति का इमेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं, इमेज डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा माउस आउट का, ठीक है, माउस आउट का, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, इमेज का SRC हम वापस से चेंज कर देंगे प्रीति वाक का, ठीक है, और ऑडियो को ऑफ करा देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, बस URL चेंज करना है, तो हमारा जो URL रहने वाला है वो तो यही वाला रहने वाला था, इसी को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि वापस दोबारा से हमें प्रीति का इमेज लगाना है, तो प्रीति का URL तो यही है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट हो चुका है। अब हमें ऑडियो को पॉज करा देना है, तो ऑडियो डॉट पॉज, तो ये हो चुका है रिकॉर्ड, मतलब ये मतलब हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसे सेव करेंगे और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं, तो साउंड आपको नहीं आएगा क्योंकि मैं माइक लगाया हुआ हूँ अभी, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो मेरा ये फनी मेमे है। अब माउस को जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा ये वर्क नहीं करेगा, क्यों वर्क नहीं करेगा बताओ, क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड ही नहीं किया यार, भूल जाते हैं हम लोग बार बार, तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करना, बहुत ही सिंपल सा काम है, इस बॉडी के लास्ट में आओ और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग दो, स्क्रिप्ट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो
टाइप है वो बता देते हैं। टाइप होगा हमारा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हमारा जो SRC होगा, गो डॉट जेस, ठीक है, इसको सेव कर दिया हम। अब चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलते हैं फिर से और इस पर होवर करते हैं। देखो ये आ गया, साउंड भी हमारे पास आ रहा। आप देख सकते साउंड का साइन यहाँ पे आ गया, इसका मतलब साउंड हमारे पास आ रहा है। जैसे हम दोबारा साइड आउट हुआ, प्रीति वापस आ गया। जैसे मैंने इसको टच किया, फिर से कवर आ गया और साउंड यहाँ भी आ रहा है। देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें माइक लगा हुआ, इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बाद में वीडियो अटैच करके बता दूंगा, ठीक है। तो यार कैसा लगा प्रोजेक्ट? अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ।